दोस्तों आज मैं आपको लेपर्ड से बचने के तरीके बताने जा रहा हूँ, कैसे आप अपनी जान बचा सकते हो अगर कभी आपका सामना किसी लेपर्ड से होता है। सबसे पहली चीज, अगर आपको लेपर्ड दिखता है लेकिन उसकी नजर कहीं और है तो आहिस्ता से धीरे धीरे वहां से निकले बिना दौड़ लगाए। दूसरी चीज, मान लीजिए अब लेपर्ड ने आपको देख लिया और आप अकेले हो या आपके साथ अगर और भी लोग हैं तो भागना हरगिज नहीं है। जो ही आप भागना या दौड़ना शुरू करोगे तो वो डर जाएगा और ज्यादा चांसेस है कि वो आप पे सेकंड्स में हमला करेगा। तो सबसे पहले देखते ही आपको अपनी उससे नजरें हटानी है, मतलब उसके साथ आई कांटेक्ट खत्म करना है। आई कांटेक्ट का मतलब होता है आप उसे चैलेंज कर रहे हो, उस सूरत में वो आप पे अटैक कर सकता है और उसकी नजर एग्जैक्टली आपकी आंखों पे होती है। मैं गारंटी देता हूं जो ही आप नजरें हटाएंगे उसके साथ ही लेपर्ड भाग जाएगा। अब चलिए 2 मिनट के लिए मानते हैं कि वो नहीं भागा आई कांटेक्ट ब्रेक करने के बाद भी, और 3-4 कदम पीछे लेते ही अगर आपको लगता है कि वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो अटैक जरूर करेगा। उस सूरत में आप तुरंत रुके और खड़े होके जितना हो सके उतना अपने आप को स्ट्रेच करें। हरगिज जमीन पे नीचे ना बैठे, हरगिज पेड़ पे ना चढ़े, क्योंकि वो पेड़ पे जो है इजिली चढ़ जाता है। मतलब आपको सिर्फ अपने बाजू सर से ऊपर उठा के जोर जोर से क्लैप्स करने हैं और साथ में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना है। दरअसल अपने से बड़ा साइज का इंसान देख के लेपर्ड जो है फिर अटैक करने से डरता है और भागना शुरू करता है। अब मान लीजिए किसी कारण आपको वो नहीं दिखा और उसने अटैक कर दिया, तो इस केस में आपको केवल अपनी हिम्मत बचा सकती है, और अगर आपने हिम्मत हार दी और आप डर गए तो फिर कन्फर्म है कि वो आपको मार देगा। देखिए, जो ही अटैक होगा तो कोशिश करनी है कि आपकी गर्दन उसके पंजों या मुंह में ना आए। लड़ते लड़ते ध्यान रखना है कि आप चिल्लाना कंटिन्यू करें। चिल्लाना जो है उससे वो डरता है और फिर कोशिश करता है इंसान को जख्मी करके भागना, ताकि शोर की वजह से और लोग ना आ जाए। कोशिश सिर्फ करें कि आप अपनी गर्दन बचाएं। आप देखोगे 1-2 बार काट के वो भागेगा जरूर। और दोस्तों यहां पर मैं आपको और एक जिंदा रहने की टेक्निक बता दूं। मान लीजिए आपको लेपर्ड ने पकड़ लिया, चाहे आपके बाजू को पकड़ लिया हो या अपनी टांग को पकड़ लिया हो, और अगर आपके सामने और भी लोग हैं उन्होंने देख लिया, तो उनको करना यही है कुछ लकड़ी या पत्थर उठा के जो है लेपर्ड पे मारनी है। और मारना कहां पर है? सर पे, उसकी टांग पे या उसकी बॉडी पे मारने से कोई फायदा नहीं है, उसको कुछ होने वाला नहीं है। उसे कोशिश करें उसे सर पे मार के बेहोश करने की, क्योंकि उस पे सर पे मारने से जो है वो अक्सर जो है लेपर्ड जो है तुरंत बेहोश हो जाता है। और वही अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई इंसान और नहीं है, आप अकेले हो, अब उसने आपकी बाजू को जो पकड़ लिया है, तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं उसके सर पे जो है पंच मारना शुरू कर देते हैं, जो कि सही है। लेकिन पंच मारना है, देखिए जो ही आपको आपकी बाजू बंद लेफ्ट जो आर्म है ये उसकी मुंह में है, अब आपको जो है अपना बाजू जो है लोग देखे करते हैं ऐसे उठाते हैं, पंचेज मारते हैं पूरा फोर्स, ताकि पावर आ जाए इसमें, पूरे फोर्स के साथ उसके सर पे मारते हैं। लेकिन इसमें गलती ये होती है, जो ही आप ये बाजू उठाते हैं तो आपकी नेक जो है बिल्कुल खुल जाती है, ये देखिए, तो इसी नैनो सेकंड में जो है वो ये छोड़ के जो है यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि असली में उसका टारगेट भी यही होता है। तो ये इसको हरगिज गले को छोड़ना नहीं है, अगर आपको पंच मारना है तो यहाँ ही तक, यहाँ से पावर जनरेट करें। कोशिश करें कि गर्दन बची रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी देर में जब तक 1 सेकंड, तो वो नैनो सेकंड में जो है आपकी गर्दन पकड़ लेगा और मामला वहाँ ही पर ख़त्म हो जाएगा। एक तो आप चिल्लाना भी आपसे बंद हो जाएगा और दूसरी चीज़ जो है 2 सेकंड में आपकी जान भी चली जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें, जैसे आपने अगर देखा होगा जो बॉक्सर साहिबान होते हैं तो वो हमेशा जो है अपने मुंह को बंद करके लड़ते हैं, क्योंकि अगर अगले बॉक्सर का जो पंच है उसके मुंह पे आ गया तो उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो हमेशा जो है जब भी वो जो बॉक्सिंग करते हैं तो हमेशा जो है अपने मुंह को कवर कर लेते हैं, पंच भी मारेंगे लेकिन वो जल्दी से जो है अपने मुंह को कवर कर लेते हैं ताकि वहां से पंच ना आ जाए। वैसे ही आपको करना है अगर आपको लेपर्ड ने पकड़ लिया, चाहे आपकी टांग को, बाजू को या और किसी पार्ट को, तो हमेशा कोशिश करनी है कि नेक को बचा के जो है आपको अटैक करना है। बाजू को पकड़ लिया तो ऐसे ही पंचेज मारने, लेकिन यहीं पर ध्यान रखना है कि वो कभी भी जो गर्दन की तरफ आ सकता है। इससे होगा ये, अगर आपका ये जो है गर्दन को बचा के आप पंचेज मारते हैं उसको, तो अगर वो आना भी चाहे गर्दन की तरफ तो वो ये इसी बाजू को पकड़ेगा।
तो ये चीज़ जो है आपकी जान बचा सकती है। तो हमेशा याद रखना है कि गर्दन को बचा के आपको अटैक, उस पर अटैक करे, पत्थर मारे, लकड़ी मारे, लेकिन गर्दन को अकेला नहीं छोड़ना, गर्दन को खुला नहीं छोड़ना है। जो ही उसको लगेगा कि बाजू पीछे चल गया, गर्दन खुला हो गया, तो वो नैनो सेकंड में जो है आपकी गर्दन पकड़ लेगा और मामला ख़त्म। लेकिन अगर ऐसे केस में अगर कोई बच्चा फंस जाता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है बच्चों को ऐसी सिचुएशंस में अकेले घर से न निकलने दे, और ऐसी सिचुएशंस में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोशिश करें जब भी घर से बाहर निकले तो ग्रुप्स में निकले, हमेशा ग्रुप्स में निकले, दो चार बंदे इकट्ठे निकले। और मान लीजिए कभी आप अकेले हो और आपको मजबूरी में अकेले कहीं जाना है, भले ही आप बच्चे हो या बड़े हो, तो ये करें कि कोई घर से बर्तन और एक चम्मच लें और फिर रास्ते में वही बजाते बजाते चलें। इस शोर की वजह से वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा कि आपके करीब आने की। और दोस्तों फाइनली मैं यही बता दूं आपको कि सबसे बेस्ट चीज है, जो ही आपको लेपर्ड कहीं पर भी दिखे, आई कांटेक्ट खत्म करें, आप देखेंगे वो तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि लेपर्ड्स की खसलत ही यही होती है कि वो पसंद नहीं करते हैं इंसानों के साथ भिड़ना। और अगर आपने कहीं देखा भी होगा या सुना होगा आपने कि वो बच्चों को अक्सर जो है लेपर्ड्स पकड़ लेते हैं, दरअसल उनको ये समझ नहीं आता है कि ये इंसान का बच्चा है, वो समझते हैं ये कोई जानवर है जो छोटा सा, जैसे वो यूजुअली जो है कुत्तों वुत्तों को पकड़ लेते हैं, तो उसी कुत्ते की साइज का जो यूजुअली बच्चे होते हैं, तो उसको लगता है कि ये कोई अलग से जा, उसको नहीं पता होता ये इंसान है। हालांकि जब भी वो किसी पाँच छः फीट के इंसान को देखता है तो वो कभी पसंद नहीं करता उस पर अटैक करना, वो हमेशा जो है भागता ही है। तो बहरहाल यहाँ ही तक थी आज की वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Take care. God bless.